आज पूरे देश के साथ साथ भारत पाक बॉर्डर पर भी ईद मनाई गई। पहली तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं वो अटारी बॉर्डर से हैं और दूसरी हुसैनीवाला बॉर्डर से हैं, जहां पर भारत पाक बॉर्डर पर हमेशा तनाव का वातावरण बना रहता है। वहीं भारतीय सेना के जवानों ने ईद के पर्व पर पाक रेंजर्स को मिठाई बांटी और गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी है। इससे भारतीय सेना ने भाईचारे की एक नई मिसाल भी कायम की। तो ये दो तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर की और दूसरी तस्वीर है हुसैनीवाला बॉर्डर की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को, पाकिस्तानी रेंजर्स को ईद की मुबारकबाद दी है। भाई, पूरे विश्व भर में जो ईद का त्यौहार जो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, पाकिस्तान का ये त्यौहार जो मुस्लिम भाईचारे का ये त्यौहार है, ईद त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दूं कि ये फिरोजपुर के जीरो लाइन बीएसएफ की, जहां पे आज बीएसएफ की ओर से जो पाकिस्तान को मिठाई देकर और बधाई दी गई है। मैं दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे जो बीएसएफ की जीरो लाइन है, जहाँ इंडिया और पाकिस्तान का जो झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे बीएसएफ के जो है कमांडेंट की ओर से जो है पाकिस्तान को मिठाई देकर बधाई दी गई। वहीं पाकिस्तान की ओर से भी जो बीएसएफ को मिठाई देकर और जो ईद की मुबारकबाद दी गई है। फिरोजपुर से कहना पसंद साहब जगदीश कुमार, जनता टीवी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमृतसर से जजबीर लाइव जुड़े हुए हैं। जजबीर, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है यार? ईद का त्यौहार है और सभी में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए पूजा, अगर हम बात करें अटारी बाघा सरहद पर, यहाँ पर अटारी बाघा सरहद पे आज सुबह बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान के रेंजर्स विंग कमांडर उनको बधाई दी गई और उनको मिठाई खिला के एक दूसरे को एक अच्छे रिश्तों की जो है कामना की गई। और दोनों ही देशों में रिश्तों की सुधार जो है अभी होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये त्यौहार जो होता है ये एक चंदन माथे पर लगाने वाली बात होती है, क्योंकि दोनों ही देशों में तनाव काफ़ी दिनों से बना हुआ था और ऐसे में ईद का त्यौहार इसको सभी जो खटास रिश्तों में जो खटास थी उसको दूर करते हुए एक दूसरे को इन्होंने बधाई दी और अच्छे रिश्तों की जो है कामना की। जी जजबीर, अच्छे रिश्तों की कामना करते हुए यहाँ पर सभी नजर आए हैं। क्या लगता है कि ईद के इस त्यौहार के साथ जो बातचीत का रास्ता है वो कहीं खुलता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, अगर हम अटारी बाघा सरहद की बात करें तो यहाँ पर मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि मीडिया को दूर रखा गया था, लेकिन मीडिया को किसी तरह की भी इन्होंने इजाज़त नहीं दी थी कवरेज के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो जो मीडिया से किसी तरह की जो बात तो नहीं हुई, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता था, जैसे दूर से हमने कवरेज की और दूर से ये देखा कि दोनों ही बीएसएफ और उनके जो विंग कमांडर है उनके मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को अच्छी तरीके से उन्होंने बातचीत की, अच्छे तरीके से एक दूसरे को विश किया और विश करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को कामना की कि अच्छे रिश्ते जो हैं वो होते हुए मतलब हमारे अंदर जो अच्छे रिश्ते के सुधार हो और एक दूसरे के अंदर गले भी लगे और उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरीके से ईद की जो बधाई भी दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जजबीर, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ताजा अपडेट पर नजर बना करके रखिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।